सो हाई गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर के शॉर्ट वीडियो को कैसे बनाया जाता है, किस किस डिजाइन से आप कौन कौन से स्टाइल से फ्री फायर के शॉर्ट वीडियो को बना सकते हो, जिससे आपके ऑडियंस जो है आपके चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। तो अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियो फ्री फायर के लिए बहुत ही अच्छे हाईएस्ट लेवल की एडिटिंग के साथ बनाना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि हर फ्री फायर बंदे का एक सपना रहता है कि वो भी फ्री फायर का एक यूट्यूबर बने। तो इस वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखना। और इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नया रहो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी गाइस, मैं आपको 2 से 3 तरीके का आपको शॉर्ट वीडियो बनाना सिखाऊंगा, जिसमें से आपको जो भी पसंद आएगा, जो भी डिजाइन पसंद आएगा, जो भी स्टाइल पसंद आएगा, उसको आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम पहला नंबर का डिजाइन स्टार्ट करते हैं, एंड आपको जो नॉर्मल एडिटिंग होती है शॉर्ट वीडियो में किस टाइप से एडिट करते हैं वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है, एंड आपको बता दूंगा चाहे कोई सा भी शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, आपको फोन को ऐसा सीधा वाला नहीं रखना है, मतलब फोन को रोटेट करके रखते हो ना वैसा नहीं रखना है, आपको फोन को सीधा रखना है और ऐसे ही वाले आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है, तभी ये जो शॉर्ट वीडियो है वो शॉर्ट के सेक्शन पर जाता है, ऐसे में जो नॉर्मल वीडियो कहलाता है। तो देखिए, आपको शॉर्ट वीडियो के लिए ऐसे यूज करना है। सो अभी गाइस, यहाँ पर हमारा पहला नंबर का शॉर्ट वीडियो का डिजाइन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, काफी सारे बंदे वॉइस ओवर वाला शॉर्ट वीडियो भी बनाना पसंद करते हैं, एंड काफी सारे बंदे बिना वॉइस ओवर को भी बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बिना वॉइस ओवर का बताता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा वॉइस ओवर में आप क्या क्या बना सकते हो, लेकिन आपको बता दूंगा इस वॉइस ओवर में आपका ज्यादा फायदा है, वॉइस ओवर ही आपको बनाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बिना वॉइस ओवर का आप हेडसेट वगैरह बना सकते हो, और कुछ कुछ म्यूजिक में एकदम बीट में जो साउंड रहता है ना, जो मोंटेज होता है, उसको भी आप बना सकते हो। तो इसके लिए गाइस, आपको फ्री फायर के शॉर्ट वीडियो के लिए म्यूजिक चाहिए जो कि गाइस बिना कॉपीराइट को हो, मतलब उसमें कॉपीराइट क्लेम ना हो। तो देखिए, इसके लिए आपको मैं यहाँ पर जो थंबनेल देख रहा हूँ, ये मेरा ही बनाया हुआ वीडियो है, इसमें आप चाहो तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको शॉर्ट वीडियो के लिए म्यूजिक बताया हूँ, जो कि मतलब बिना कॉपीराइट का है, फ्री फायर में इसको यूज कर सकते हो। तब चाहो तो इसमें से देखकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। तो देखिए, इसको आपको सिंपल से कोई भी एक सॉन्ग ले लेना है, एंड यहाँ पर आपको हेडशॉट की वीडियोस को डालना है। आप चाहो तो मतलब हेडशॉट का जो साउंड रहता है ना, जो फोन का इंटरनल साउंड होता है, वैसा रिकॉर्ड करना चाहते हो तब भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वैसा नहीं करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने जो जो हेडशॉट का क्लिप था, मान लीजिए अपने 5 मिनट में 3-4 हेडशॉट लगाए रखे हैं, तो उसको सिंपल से यहाँ पर ऐड करना है, एंड यहाँ पर आपको उसको कट करना है। आप कट करने का यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस रहता है, बहुत ही सा है, बस आपको थोड़ा सा इसमें अपने खुद से इसमें आपको थोड़ा मेहनत दिखाना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाओगे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तब तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अपने से मतलब थोड़ा इसमें टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा काइन मास्टर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल से ऐड कर लिया है, यहाँ पर कट करते जाएंगे सिंपल से जहाँ जहाँ पर हेडशॉट लगा है, और वहाँ को सिंपल से बता रहा हूँ, कोई मैं एकदम हाई लेवल की एडिटिंग नहीं बता रहा हूँ, जिसमें सब स्पीड से मारोगे फिर रुकोगे फिर स्लो मोशन होगा, ऐसा वाला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कत होगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कट करना है, जो भी हेडशॉट का क्लिप है उसको सिंपल से कट कर करके यहाँ पर पूरा बना लेना है, एंड यहाँ पर जैसे आपको अगर आप चाहो तो साउंड के बीट में, मतलब कि साउंड जैसे कहीं पर डीजे बजता है ना, तो वहाँ पर तुरंत से हेडशॉट पड़े, फिर आपका जो गेम प्ले है वो नॉर्मल चले, फिर आप हेडशॉट मारना, फिर आपका साउंड जो है तुरंत से ऐसा बीट में चले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर नॉर्मल गेम प्ले पहले, मतलब कि आपका जो गेम प्ले है वो नॉर्मल रहे जो साउंड है उसमें, उसके बाद जैसे ही साउंड एकदम हाई होता है, डीजे बजने लगता है, उसके बाद आप तुरंत से हेडशॉट मतलब हेडशॉट वाले क्लिप को ऐड कर लेना। अलग अलग तरीके से बना सकते हो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मल साउंड को यूज़ करके ऐसे भी बना सकते हो। तो ये हो गया गाइस हमारा जो मोंटेज वाला होता है बिना वॉइस ओवर के, वैसे बनाना चाहते हो तो अगर हम बात करें हमारे जो नॉर्मल वॉइस ओवर वाले होते हैं उसमें आपको किस टाइप से बनाना है, तो उसमें आप चाहो तो फ्री फायर फैक्ट वीडियो भी बना सकते हो, मतलब कि हर शॉर्ट वीडियो में आप चाहो तो नॉर्मल ग्लेम पे भी यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड में, और चाहो तो म्यूजिक भी यूज़ कर सकते हो। म्यूजिक यूज़ करना जरूरी होता है, काफ़ी अच्छा मतलब बहुत ही ऑफिशियली लगने लगता है शॉर्ट वीडियो, तो म्यूजिक भी यूज़ कर सकते हो। एंड वहाँ पर गाइस आपको बताना है फ्री फायर का फैक्ट, मतलब कि फ्री फायर का पहला गन कौन सा है, पूरा अपने चैनल को इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कर देना है फैक्ट वीडियो के, या फिर आप चाहो तो वहाँ पर गेम प्ले या फिर और छोटे छोटे टिप्स बता सकते हो फ्री फायर। तो अलग अलग तरीके से फ्री फायर के शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं, अब चाहो तो फ्री फायर का शॉर्ट वीडियो देखना, वहाँ पर वो लोग बिना वॉइस ओवर के सिंपल से गाना बस को यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि जो बताया हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक उसको यूज़ कर लेते हैं, और उनमें लाखों मिलियन में व्यूज़ जाते हैं। तो आप चाहो तो वैसा भी सिंपल बना सकते हो, कोई एडिटिंग नहीं, बस आपको इमोट वगैरह दिखाना है। तो आप फनी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपको इस पूरा समझ में आ गया होगा, अगर आपको और भी अच्छे से बहुत ही अच्छे से बड़े वीडियो में जानना है शॉर्ट वीडियो कैसे बनता है, तो वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको जरूर एक वीडियो बना कर दूंगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।